यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, देख सकते हो। छाँव ढूंढ रहा हूँ अभी से, लेकिन छाँव मिल नहीं रही है। इसी के आगे भाई ये इतना नज़दीक आके खड़ा किया, दादा बघ ना एवढे जवळ येऊन लावली त्यांनी, काय बोलायचं। हा आज हमने किए हैं 568 किलोमीटर, 13 घंटे लगे। तो भाई जब हम कोल्हापुर में थे, हम गए थे नरसोबाची वाड़ी, तो यही है वो राइट है जहाँ से हमने एंटर किया था। तो अभी मैं आपको तो इसी रास्ते से हम आए थे, तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए कुछ है नहीं। तो अभी हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट ही मिलेंगे जब मैं रुकूंगा। भाई साहब देख सकते हो राइट में ये बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी सीधा डिवाइडर पे चढ़ गई है। होप सो किसी का कोई नुकसान ना हुआ हो। तो इसीलिए गाइस आपको अगर लगता है कि आपको नींद आ रही है या तो आपका ध्यान नहीं लग रहा है रोड पे, तो साइड में खड़ी कीजिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, पानी पीजिए, मुंह धोइए, आप कुछ भी कर दीजिए पर गाड़ी में चलाइए, बिकॉज दैट्स रियली डेंजरस। वैसे हम यहीं से गए थे कोल्हापुर में, एंटर किया था आते समय। हम देखते हैं यहाँ पे कोई नाश्ते का प्रबंध है क्या, जो नहीं यहाँ पे खाने का, तो देखता हूँ मैं आगे साइड में खड़ी करके ना एक प्रोटीन बार खाता हूँ। ओके अच्छा खासा घना पेड़ है, छाव भी काफ़ी है, तो यहीं पर रुकते हैं, एक प्रोटीन बार खाते हैं एंड देन फिर चलते हैं यहाँ से आगे। सो गाइस हमने यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक लिया, एक प्रोटीन बार खाया, एक मॉन्स्टर ड्रिंक भी पिया मैंने, अभी निकलते हैं। देखते रास्ते में कुछ खाने के लिए मिला तो, वरना फिर सीधा सतारा विच इज़ अराउंड 116 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो गाइस यहाँ पे हम रुके हैं, एक बायो ब्रेक बनता है, काफ़ी टाइम हो गया। गाइस यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, देख सकते हो। यार ये इंटरसेक्शन है और ज़रूर अंदर जाने राइट लेफ्ट में के चक्कर में यहाँ पे ये कांड हुआ है। शायद से पिछले बार जब हम यहाँ से आ रहे थे तो हम लोगों ने जो नीचे से मन पे सर्विस वो किया था, तो शायद से इसी इंटरसेक्शन पे कुछ हुआ था तभी भी। दोस्तों हम कराड़ पहुँच चुके हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ नाश्ते के लिए मिलता है क्या। सर्विस रोड पर मैं नहीं जाऊँगा, कोई शांत जगह रहेगी आसपास में ना जहाँ पे हाईवे के साइड में बाइक फ्री करके हम लोग नाश्ता कर सके, वहाँ पर मैं रुकूँगा। धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है अभी, इट्स 11:30। मुंबई यहाँ से 325 किलोमीटर दिखाता है, पुणे 163, सातारा इज 52। गाइस अब यहाँ पे रुके हैं, खाया कुछ नहीं, मतलब मैंने प्रोटीन बार खाया था, तो चलो जूस ही पी लेता हूँ, शुगर केन जूस, थोड़ी ताकत आ जाएगी और जब भी मौका मिलेगा तभी हम खाएंगे। तो चलो पीते हैं बाद में, निकलते हैं यहाँ से। गाइस मैंने शुगर केन जूस पी लिया है, कुछ ज़्यादा ही मीठा था, मतलब मुझे फिर मैंने फिर थोड़ा पानी पी लिया, नहीं तो फिर है ना हेलमेट के अंदर वो मीठापन मुँह में रहता है ना, तो इरीटेशन होता है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मीठा था यार ये। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, रुकने वाले नहीं, क्योंकि हम ये हम लोग ने ऑलरेडी पहला वाला ब्रेक में 15-20 मिनट में रुका था, तो अभी रुकता नहीं है। अभी यहाँ पे भी 10 मिनट हो गए, तो निकलता हूँ अभी। मुझे यहाँ पे हम रुके हैं विट्ठल कामत, यहाँ पे थोड़ा छाव था गाड़ी के लिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे आया हूँ। बाकी एक दो रेस्टोरेंट जो रास्ते में थे, देयर वॉज नो शेड,
तो मतलब नहीं बनता है। तो चलो अंदर जाके कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। राइस हमने मंगाया है, मिसल मिसल मंगाने की वजह है कि मुझे हल्का खाना है, राइस वाला साउथ इंडियन कुछ खाना नहीं, क्योंकि उससे नींद आती है। पिछले दो तीन दिन से मैं देख रहा था कि मुझे नींद आती है सब खाने के बाद, इसके लिए मैंने मिसल मंगाई है। हल्का खाते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं, फिर भूख लगी तो फिर उठ जाएंगे। मिसल साउथ मिसल लो। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं, मिसल खाई मैंने, इट वॉज ओके मिसल, एक टिपिकल मिसल जैसा, नथिंग स्पेशल है सच। अभी बज रहे हैं 12:30, इट शुड बी क्लोज टू 300 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई। द एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल एज पर गूगल इज 6, मतलब वो तो ब्रेक के पहले मैंने देखा था, तो अभी बढ़ गया रहेगा। ऑलमोस्ट आधा घंटे का ब्रेक हो गया हमारा यहाँ पे, थोड़ी देर में अभी सतारा आएगा, तो चलो फिर आगे मिलते हैं। सो गाइस अभी हम सतारा क्रॉस कर रहे हैं, और नीचे जो देख रहे हैं सतारा सिटी है, अभी ये ऊपर से ऊपर जाएगा रोड। यहाँ पे भी आप देखोगे तो पूरा पहाड़ स्ट्रेट उतर रहा है, वही साहब लेफ्ट में जो देख रहे हैं ये रोड जाता है महाबलेश्वर। वाई नीचे नीचे जो है फुटहिल्स में उसको वाई बोलते हैं, और ऊपर है महाबलेश्वर। तो आपको महाबलेश्वर जाना है तो आपको वहाँ वाई जाना पड़ता है, और हमको कहीं पर रुकना है, छाँव ढूंढ रहा हूँ कभी से, लेकिन छाँव मिल नहीं रही है। सो गाइस हमको जगह मिल गई थोड़ी छाँव यहाँ पे, धूप काफ़ी तेज है, जस्ट वॉन्ट टू हैव अ वाटर ब्रेक ऑल्सो। काफ़ी पानी पिया मैंने अभी जब मिसल खाया था। भी हम तुम्बाट की घाट नीचे उतर चुके हैं। गाइस 2:41 इन द आफ्टरनून, और हम कहीं वी आर समवेयर इन पुणे, नॉट एग्जैक्टली द सिटी, आउटस्कर्ट्स में। काफ़ी ट्रैफिक है अभी यहाँ पे, एंड आपको तो मालूम है पुणे पुणे वालों की ड्राइविंग कैसी है, इट्स आउटस्टैंडिंग ड्राइविंग, यू नेवर नो व्हाट दे वुड डू द नेक्स्ट सेकेंड। आउट ऑफ द व्यूज़ ये कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे ट्रैफिक लग चुकी है, अच्छी खासी ट्रैफिक है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि दोपहर को इतनी दोपहर को इतनी गर्मी में यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होगी, तो चलो ठीक है अभी क्या करें, थोड़ा ये ट्रैफिक से निकलते हैं, बाद में कहीं पे रुकते हैं। गाइस हम लोग पुणे से बाहर निकल चुके हैं, और लेफ्ट में जो एक्सप्रेसवे वाला रोड गया, और हम लोग अभी ये सीधा जाने वाले हैं। सो गाइस अभी हम कामशेत क्रॉस कर रहे हैं, ये लोनावला के आगे पड़ता है, मतलब अभी यहाँ से जाते समय लोनावला, अभी कामशेद के बाद लोनावला आएगा। लेफ्ट साइड में है कारला केव्स, यहाँ पे एकवीरा माता का स्थान है, ये कोली लोगों की कुलदेवी है, और मैं हूँ कोली हूँ, एकवीरा माता की जय। तो मुझे यहाँ पे एक बार काशी को लेके आना है, यू नो हु इज काशी, इट्स आवर बाइक, बाइक का नाम हमारे काशी है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत बड़ा काम है मुझे करना है, वो है कि मुझे चिक्की लेना है, यू नो माई यंगर डॉटर आशना, तो इट्स अ रिचुअल है कि भाई अगर लोनावला क्रॉस करना है तो चिक्की लेके आना है, दैट्स अ ब्राउन ग्राउंड नट क्रश, उसे बहुत पसंद है। मैं निकलते समय भी उसने बोला था कि पापा चिक्की लेके आना, तभी हमारा एक शॉप है डायमंड चिक्की करके, जहाँ से मैं हमेशा चिक्की खरीदता हूँ, तो वहाँ से हम जाके चिक्की खरीदेंगे और फटाफट निकलेंगे। सो गाइस लोनावला में भी ट्रैफिक है, वो तो अच्छा है, अभी 4 बज रहे हैं, और थोड़ा लेट हम आएंगे
यहाँ पे और ट्रैफिक बढ़ेगी, फिर सब ट्रैफिक होती है यहाँ पे। आप देख सकते हो हम कहाँ कहाँ से मनोवर कर रहे हैं। ये हाल है कि रोड्स बड़े नहीं है, ट्रैफिक बढ़ गई है। रोड जितने पहले थे उतने ही हैं, छोटे नैरो, तो इस पार्ट में बॉटल नेक हो जाता है। मैं भी ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं फुली लोडेड हूँ, पीछे बैग है बहुत बड़ी, अननेसेसरी रिस्क नहीं लूँगा। सो गाइस, हम लोनावला ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। ये लास्ट सिग्नल है, ये सिग्नल के बाद अगर आप निकलते आगे उसके बाद कोई ट्रैफिक नहीं लगने वाली है, फिर आपको खुला खुला रोड है। भाई ये इतना नज़दीक आके खड़ा किया, ज़्यादा वक्त ना एवढे जवळ येऊन लावली त्यांनी, काय बोलायचं हा। ये एसटी वाले मेरे को समझ में नहीं आते थे कि इतना नज़दीक उसने जाके लगाया, मुझे मालूम भी नहीं है। हाँ, सेंसलेस पीपल, मतलब सरकारी काम, सरकारी नौकरी है, मतलब ये अपनी मन मर्जी का जो चाहिए करेंगे, किसी की जान की इनको परवाह नहीं है। ठीक है, अभी किसको किसको सुधारे। तो अभी यहाँ से आगे ही मैं दिखाता हूँ डायमंड सिटी कहाँ पे। तो ये स्लोप उतरने के बाद ये है ऋषिकेश रिजॉर्ट, राइट में द ब्लू लगन रिजॉर्ट, और ये लेफ्ट में है डायमंड चिकी। आप देख सकते हो कितने सालों से मैं इन्हीं से चिकी खरीदते आ रहा हूँ। तो चलो फटाक करके चिकी खरीदते हैं और फिर अपना अगला सफर के लिए निकलते हैं। हम यहाँ जरा रुके थे पानी पीने के लिए, तो धूप जो आ रही है ना मुंह पे, इसके वजह से सर दर्द हो रहा है, तो थोड़ा डिहाइड्रेशन भी फील हो रहा था, डिहाइड्रेटेड, तो पानी पिया। अभी निकल रहे हैं, इट्स 508 और वी हैव क्रॉस्ड होपफुली ऑलरेडी पनवेल, यहाँ से कुछ 13-14 किलोमीटर दूर है। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं कलमबोली, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे हमारे घर जाने के लिए। ये कलमबोली जंक्शन है, काफ़ी ट्रैफिक होती है यहाँ पे, आप देख सकते हो पूरी, क्योंकि ये सब पोर्ट से निकलते हैं जो कंटेनर्स, वो इसी रास्ते से जाते हैं, JNPT जो है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। अभी हम लोग लेफ्ट लेंगे, मैं मिलता हूँ आपसे आगे। NDC, दिस इज CBD बेलापुर, हमने जस्ट क्रॉस किया है, नेहरू और CBD बेलापुर के बीच का ये सेक्शन। गंदी सी ट्रैफिक है यहाँ पे, पता नहीं क्यों गाड़ियाँ हिल नहीं रही है, इसको आज ही होना था। अच्छा, घर नज़दीक आया, फटाफट घर पे जाऊँगा, फ्रेश हो जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे तो लगी पड़ी है ट्रैफिक की। सो गाइस, हम हमारे घर के नज़दीक आ चुके हैं, यहाँ से हमारा घर 1 किलोमीटर है। आज हमने किए हैं 568 किलोमीटर्स, ये करने के लिए हमको लगे 13 घंटे लगे,
5:15 बजे हम निकले थे सुबह, अभी बज रहे 6:15 शाम के, तो एग्जैक्टली 13 आवर्स, जिसमें हमने 2 घंटे ब्रेक भी लिए थे। तो इट वॉज़ अ वंडरफुल जर्नी, एफर्टलेस, गाड़ी ने कोई दिक्कत नहीं दी, द व्हीकल परफॉर्म्ड वेल। सो गाइस, इस सीरीज़ का ये आखिरी वीडियो है, होप सो आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, और अगर आपका प्यार बना रहेगा तो ऐसे ही मैं और भी वीडियोज़ बनाते रहूँगा। सो गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ।